हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जनाब, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इस गार्नियर स्किन एक्टिव ब्राइट कंप्लीट फेस वॉश का। सो चलें जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी ब्रांडिंग की। सो गार्नियर एक वेल नोन ब्रांड है और हम सब जानते हैं कि ये एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, बट गार्नियर के जो भी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में लोकली अवेलेबल हैं वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, जिसका मतलब है कि गार्नियर के तमाम प्रोडक्ट्स लोकली मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं। और इस क्लेंजर की बैक साइड पर क्लियरली मेंशन है मैन्युफैक्चर्ड फॉर लॉरियल पाकिस्तान, और मैन्युफैक्चर्ड फॉर लॉरियल पाकिस्तान का मतलब है कि गार्नियर भी लॉरियल का ही एक मिनी ब्रांड है। सो अगर हम बात करें इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की, तो इसमें बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं, बट इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में लेमन फ्रूट एक्सट्रैक्ट, सैलिसिलिक एसिड और ग्लिसरीन भी ऐड किए गए हैं। बट इस क्लेंजर के बैक साइड पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आइज़ के अराउंड आप ये क्लेंजर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। और इसका रीज़न ये है कि इसमें लेमन फ्रूट एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है एंड दैट कैन सेंसिटाइज योर आइज। एंड इसके साथ साथ मेंशन किया गया है कि यूज़ दिस क्लेंजर विद इन 12 मंथ्स आफ्टर ओपनिंग। सो अगर बात करें इसकी कंसिस्टेंसी की, तो वो काफ़ी थिक और क्रीमी है एंड अ पी साइज अमाउंट ऑफ दिस क्लेंजर वुड बी इनफ फॉर योर होल फेस। पानी के कॉन्टैक्ट में आते ही ये एक फोमिंग क्लेंजर में कन्वर्ट हो जाता है और आपके पूरे फेस को अच्छे से क्लेंज कर देता है। सो अगर बात करें इसके क्लेम्स की, तो ये पहला क्लेम करता है इट मेक्स योर स्किन ब्राइटर, और इसका सेकंड क्लेम है कि ये आपके फेस को डीप क्लेंज करता है। सो जनाब, ये थे इस क्लेंजर के ओवरऑल कुछ क्लेम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड नाउ विल टॉक अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस क्लेंजर। सो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं हम इस क्लेंजर के रिजल्ट्स की। सो क्या ये क्लेंजर अपने सारे क्लेम्स को फुलफिल करता है या नहीं? सो अगर बात करें इसके फर्स्ट क्लेम के बारे में, तो येस, इट डज ब्राइटर योर स्किन। फेस वॉश करने के बाद यू कैन सी इंस्टेंट ब्राइटनेस एंड ग्लो ऑन योर फेस। सो अगर बात करें इसके सेकंड क्लेम की कि आपकी स्किन को डीपली क्लेंस करता है, सो आई वुड से दिस क्लेम इज रियली नॉट ट्रू। सो इसके इंग्रेडिएंट्स में सैलिसिलिक एसिड ऐड किया गया है, दैट्स वाई ये क्लेम किया जाता है। सैलिसिलिक एसिड एक केमिकल एक्सफोलिएंट होता है और स्किन को बहुत जेंटल वे में एक्सफोलिएट करता है, बट ये टास्क परफॉर्म करने के लिए सैलिसिलिक एसिड की एक स्पेसिफिक परसेंटेज का होना लाजमी है, और यही वजह है कि सैलिसिलिक एसिड की एक रिक्वायर्ड अमाउंट को इस क्लेंजर में ऐड नहीं किया गया। सो नाउ विल टॉक अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो मैंने ये क्लेंजर समर्स में यूज़ करना स्टार्ट किया था एंड आई हैव ऑयली एक्नी प्रोन एंड सेंसिटिव स्किन टाइप। सो फेस क्लेंस करते ही इंस्टेंटली इसने मेरे फेस को ब्राइट भी किया और हल्का सा ग्लो भी प्रोवाइड किया, बट उसके साथ ही मेरे नेचुरल फेशियल ऑयल्स को इसने काफ़ी स्ट्रिप किया और साथ ही फेस की स्किन काफ़ी ड्राई फील होने लगी, विच मीन्स कि विंटर में इसे यूज़ करने के बाद आपका फेस काफ़ी ड्राई हो सकता है। ऑयली स्किन होने के बावजूद विंटर्स में इसे यूज़ करना मैंने छोड़ दिया है। सो अब बात कर लेते हैं इसके रिकमेंडेशंस की। सो ओवरऑल एक अच्छा फेस क्लेंजर है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, काफ़ी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है। इसका टेक्सचर एक फोमिंग क्लेंजर की तरह परफॉर्म करता है। समर्स में इसे सभी स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं सिवाय ड्राई स्किन टाइप के। और इस क्लेंजर की सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी अफोर्डेबल क्लेंजर है, विच मीन्स कि टीनेजर इसे काफ़ी ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। सो अगर आप एक बिगिनर हैं या टीनेजर हैं, तो समर्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट विंटर्स में आई वॉन्ट रिकमेंड दिस क्लेंजर। विंटर्स में आपको जेंटल और हाइड्रेटिंग क्लेंजर्स यूज़ करने चाहिए, और आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ मैं कुछ ऑप्शंस अटैच कर दूंगी। ये सभी क्लेंजर्स काफ़ी जेंटल और अफोर्डेबल हैं, आपको अपने नियर बाय कॉस्मेटिक स्टोर या फार्मेसी से इजीली मिल जाएंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। आई विल कैच यू गाइस अनदर टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।